यूपी तक के सब्सक्राइबर्स अब 60 लाख, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये लोग जो है ना, सही बात ये है कि वो बहुत, अब मैं कहना नहीं चाहता, वो मोस्ट भ्रष्ट लोग हैं। और अब्बास का ये कहना है कि आप गलत सवारी पे बैठ गए। ऐसा है कि मैं गलत सवारी पे नहीं बैठा हूँ, वो लोग भटक गए हैं। ये सारी नकल बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी की ये लोग कॉपी करते हैं तो भी नहीं कर पाते, नकल भी ठीक से नहीं करना आता इनको। नमस्कार, मैं हूँ राजीव कुमार। जैसे जैसे उपचुनाव अब तेजी से आ रहा है, हम समय समय पे सारे घटनाओं को दिखा रहे हैं, सारे इवेंट को दिखा रहे हैं। आज अब हमारे साथ फिर एक बार शाह आलम गुड्डू जमाली जी हैं। अब तो बहन जी ने भी कह दिया कि आपने ऑक्सीजन दिया और ऑक्सीजन देंगे। देखिए, ये तो बहन जी भाई अब हम लोगों की नेता हैं, बड़ी बहन हैं, अब उनके कहा है तो अब मैं तो उस नहीं, लेकिन मैं सही बात है कि उसके नाम पे वोट नहीं मांगता। हाँ देखो, मैं बार बार कहता हूँ कि वो मैंने नेतागिरी में नहीं किया था। अल्लाह ना करे, भगवान ना करे, अगर दोबारा कुछ ऐसी आपदा आ जाए, मैं चाहे एमपी ना भी बनूं, तो आप देखेंगे, जिला देखेगा कि मैं उससे दुगुना ताकत से करूंगा। ये हम लोग का फ़र्ज है यार, इट इज़ अवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट ए पॉलिटिक्स। अब मानिया बहन जी ने कहा है भाई, देखो अब ऐसे तो बहुत लोग कह रहे हैं, उनको भी अच्छा लगा कि मेरे विधायक ने किया, ये अच्छा लगा होगा उनको कि मेरे दल में ऐसे लोग हैं जो समाज की पीड़ा लेते हैं, तो उस कंटेस्ट में उन्होंने कहा ये बात। चलिए, एक बयान था, आपने ये कहा था कि जल्द मैं खुलासा करूंगा कि एक पैर पे खड़ा रहने के लिए आप उनके लिए तैयार रहते हैं, अभी आज तक तो आपने खुलासा किया नहीं। अब नया मामला आ रहा है, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्दुल्ला जी ने कहना है कि गुड्डू चाचा, हालांकि आपको चाचा के सबसे नमस्ते हैं, और अब्बास का ये कहना है कि आप गलत सवारी पे बैठ गए। ऐसा है कि मैं गलत सवारी पे नहीं बैठा हूँ, वो लोग भटक गए हैं। अब देखिए, मैं कहना नहीं चाहता, उनके वालिद साहब भी बसपा से ही विधायक बने थे जो मेरी जानकारी है, तो ये वो गलत सवारी पे चले गए। मैं नहीं कहना चाहता, आप दो चार साल पुराने साल दो साल की अगर बाइट निकाल लें, ये परिवार प्रतिष्ठित परिवार है। देखिए मैं आपको ऐसे बता दूं, ब्रिगेडियर उस्मान के ये नाती हैं, मुख्तार डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के ये पोते हैं, इस नाते मैं इस परिवार की बहुत इज्जत करता हूँ। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताऊं, सही बात यह कि भटक जाते हैं लोग थोड़े से में, वरना यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने उन्हें एक ज़माने में घर बुलाया, अब बुलाने के बाद वहां अपमानित किया। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, अभी आप YouTube पे और सोशल मीडिया पे जाइए, आप जाल भाई का बाइट मिल जाएगा, मैं नहीं कह रहा हूं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, खैर ठीक है, वो भी मेरे बच्चे की तरह से ही है, लेकिन वो गलत जगह भटक गया, आज नहीं तो कल सबको यहीं आना, वहाँ गुजारा नहीं है, वो अच्छे लोग नहीं है। समाजवादी के लोग जो है ना, सही बात ये है कि वो बहुत, अब मैं कहना नहीं चाहता, वो मोस्ट भ्रष्ट लोग हैं। हाँ, कल आजम खान साहब आए, देखो यार, उनके बेटे भी आए, घूम रहे हैं इलाके में, वो तो कह रहे हैं कि हमारी हवा ठीक है। अब मैं ये कह दूं कि वो भी तो चाहते हैं कि बसपा खड़ी हो, वो भी तो यही कह रहे हैं कि सब लोग मुत्तहिद। अच्छा ये बताओ, आपको नहीं समझ में, ताकत का एहसास किसको कराना है, किसको कहने के लिए बोल गए हैं, वो भी चाहते हैं कि मैं जीतूं, आप समझिए सब बात। आखिरी सवाल हमारा है कि आज योगी आदित्यनाथ जी आए थे और उन्होंने कहा कि आजमगढ़ का विकास इसलिए नहीं हुआ कि एक पार्टी राहु है, एक पार्टी केतु है, आप क्या है? अब ऐसा है कि देखिए, वो कुछ भी कहना चाहें, सबको कहने का डेमोक्रेसी में अधिकार है, लेकिन सच्चाई ये है कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो रहे हैं ये उसके जिम्मेदार हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि विकास, ये जो सड़क कचहरी वाली देख रहे हैं ना आप, इसे जो जहाँ से हम जाते हैं सदर हॉस्पिटल, उसकी 6 महीने पहले क्या स्थिति थी वो भी आपने देखा होगा। हम और पप्पू भाई उस वक्त सदन में थे, मैं ही वो विधायक था, मैं खड़ा हुआ बोलने के लिए, मिनिस्टर बोल रहे थे, मुख्यमंत्री वहाँ थे, और मैंने उस वक्त ये बात रखी सड़क की, और मुख्यमंत्री जी ने नोट किया, मैंने कहा साहब एक बार आप जाके देख लीजिए, उसके बाद यहाँ काम बन गया। तो ये जिम्मेदारियाँ कुछ हद तक जनप्रतिनिधियों की भी होती है कि वो अपने क्षेत्र को लेकर कितना गंभीर होते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि एक पार्टी राहु है, एक पार्टी का कहने को, तो हम भी यही कहते हैं कि वो दोनों, वो हो सकता है अपने लिए कहे हों, अपने लिए वो कहे होंगे, आपको शायद समझने में गड़बड़ होगी, आपको ही कहे। बसपा ने जो काम किया है ना पूरे प्रदेश में, जो माननीय बहन जी ने किया, वो करने में अभी लोगों को बहुत सौ सैकड़ों साल, ये सब लोग बहुजन समाज पार्टी की और माननीय बहन जी के किए हुए कामों की नकल कर रहे हैं। आज ये जो आवास योजना और ये सब बहन जी की चलाई है, कन्या का धन और ये जितनी भी स्कीमें हैं ना, मैं बहुत जल्दी में हूँ इसलिए नहीं पूरा जवाब दे पा रहा हूँ,
ये सारी नकल बहुजन समाज पार्टी के नेता मान्या बहन जी की ये लोग कॉपी करते हैं तो भी नहीं कर पाते, नकल भी ठीक से नहीं करना आता इनको। शुक्रिया। तो ये थे शाह आलम गुड्डू जमाली, जिन्होंने अपने तरीके से बताया कि अभी कई बयानबाजी थी, चाहे वो राहु केतु को लेके कहा जाए या फिर विकास को लेके कहा जाए या फिर अभी मायावती जी द्वारा जो जारी किया गया कि ऑक्सीजन दे रहे हैं और ऑक्सीजन देंगे, उसको लेके उन्होंने सदे अंदाज में जनता के लिए कहा। राजीव कुमार, आजमगढ़, यूपी तक।